के थाना एका क्षेत्र में छेड़छाड़ की घटना और जबरन शादी की धमकी से परेशान होकर एक युवती ने फांसी से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना एका क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पायल नामक युवती रोज की तरह अपने पशुओं को खेत पर पानी पिलाने गई थी। तभी वहां एक युवक ने, जिसका नाम बादल बताया जा रहा है, युवती के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद युवती के चिल्लाने पर परिवार के लोग वहां पहुंच गए। परिजनों को आता देख युवक वहां से फरार हो गया, जिसके बाद युवती के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस द्वारा युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई। आरोपी के जेल जाने के बाद उसके परिजनों द्वारा अपने बेटे के साथ जबरन शादी करने की धमकी देना युवती के परिजनों को शुरू कर दिया गया, जिससे आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और युवक शैलेश और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 23 तारीख की घटना है, शाम को करीब 5:30 बजे की, वो कौन को पानी पियाने गई थी घेरे पे, घेर में, तो वहाँ पर लड़का आ गया था भूरे बादल और शैलेश, उसने पकड़ लिया, उसका पहुँचा मुँह दाब लिया। उसके बाद हमारे भाई का कुएं खोलने लड़का पहुँचा था वहाँ पे, तो उसने जब चिल्लाते देखा तो वो ऊपर गया भाग के, तो उसने लड़का देख के भाग गया वो। फिर उसके बाद हमने FIR कराई, तो 25 तारीख को FIR हुई, 23 तारीख को हम 10:30 बजे घर आए, घर कोई सुनवाई नहीं हुई। 25 तारीख को वो पकड़ा गया, 24 को उसके ताऊ को पकड़ लिया था पहले, तो वो फिर उनको छोड़ के लड़का पकड़ लिया उन्होंने, लड़का पहुँच गया थाने में। फिर 25 तारीख को उसको, 26 को उसका हो गया चालान हो गया लड़के का, लड़के वाले घर वाले सब उसके, हमें भाइयों को, बीवी को, हमारी को, लड़की को धमकी देते थे, जब भी निकलते थे गाली गलौज करते थे। थाना एका में एक लड़की की तहरीर पर 354 IPC का मुकदमा कायम हुआ था, जिसके संदर्भ में अभी को गिरफ्तार उसी दिन कर लिया गया, उसको जेल भेज दिया गया, अभी तक वो जेल में है। पीड़िता ने अज्ञात कारणवश अपने घर पर आत्महत्या कर लिया परसों, और कल की रात में सारे प्रकरण की छानबीन की जा रही कि इसकी वजह क्या थी। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राजा तिवारी की रिपोर्ट।